वो स्याह तारीख जो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को याद है। हो भी क्यों ना, उस दिन आतंकवादियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। 9/11 की घटना को आज 16 साल हो चुके हैं। उस दिन आतंकवादियों ने अमेरिका का गुरूर कहे जाने वाली इमारतों का वजूद ही खत्म कर दिया था। उस दिन अमेरिका को पहली बार ये पता चला था कि आतंकवाद का खात्मा किए बिना वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन इमारतों से कहीं ज़्यादा कीमती थी वो 3,000 जिंदगियां जो इस नरसंहार की भेंट चढ़ गई। आप में से ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे कि उस दिन दो प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से और एक प्लेन पेंटागन से टकराया था, लेकिन चौथा और इकलौता प्लेन जिसे आतंकवादी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाए, उसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो आतंकवाद के खिलाफ एक होकर लड़े। ये कहानी है आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका की उस लड़ाई के पहले हीरोज की जिन्होंने आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। 9/11 की सुबह आतंकवादियों ने अमेरिका में 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया। इनमें से एक प्लेन था फ्लाइट 93, जिसे यूनाइटेड 93 के नाम से भी जाना जाता है। इस प्लेन ने सुबह 8:42 पर न्यूजर्सी के न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरी। इस प्लेन में 37 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें अलकायदा के 4 आतंकवादी भी शामिल थे। इन आतंकवादियों का लीडर था जयाद समीर जर्रा। इस प्लेन के उड़ान भरने के 4 मिनट बाद ही पहला हाईजैक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा चुका था, लेकिन इस प्लेन में सवार सभी लोग इस घटना से बेखबर थे। उनके लिए ये एक आम सा दिन था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि चंद मिनटों बाद ही उनकी जिंदगी भी बदलने वाली। उधर ज़मीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अफरा तफरी का माहौल था। वो ये पता लगाने में जुटे हुए थे कि कौन कौन सा प्लेन हाईजैक हो चुका है, लेकिन ये भूसे में सुई ढूंढने के जैसा था, क्योंकि उस दिन अमेरिकन एयर स्पेस में लगभग 4,000 प्लेन मंडरा रहे थे। लेकिन इससे पहले वो कुछ पता लगा पाते, 9:03 पर दूसरा हाईजैक प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से जा टकराया। अब धीरे धीरे सभी हाईजैक प्लेन उनके रडार से गायब हो रहे थे। उधर फ्लाइट 93 में पायलट्स को यूनाइटेड एयरलाइंस की ओर से एक मैसेज मिलता है, जिसमें दोनों प्लेन्स के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराने की खबर होती है। लेकिन इससे पहले पायलट कुछ समझ पाते, ठीक 2 मिनट बाद जर्रा और उसके 3 साथी प्लेन को हाईजैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो ज़बरदस्ती कॉकपिट में घुसकर दोनों पायलट्स को जान से मार देते हैं और पैसेंजर्स को जहाज़ के पिछले हिस्से की ओर धकेल देते हैं। उनमें से एक हाईजैकर अपनी कमर पर बंधे नकली बम से पैसेंजर्स को प्लेन उड़ाने की धमकी भी देता है। अब प्लेन जर्रा उड़ा रहा था। प्लेन में बैठा पैसेंजर टॉम ब्रूनेट अपनी बीवी को फ़ोन कर हाईजैक की खबर देता है। तभी उसकी बीवी उसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के बारे में बताती है। अपनी बीवी की बात सुनकर टॉम ब्रूनेट समझ जाता है कि जिस प्लेन में वो बैठा है उसका हश्र क्या होने वाला है। धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले की खबर पूरे प्लेन में आग की तरह फैल जाती है। उधर जर्रा प्लेन का रुख वाशिंगटन की ओर मोड़ देता है। उसका निशाना क्या था ये अब तक कोई नहीं जानता था। उधर 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 पेंटागन के वेस्टर्न ब्लॉक से टकरा जाती है। कंट्रोल रूम में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। अमेरिकन एयरफोर्स के पास हाईजैक प्लेन को गिराने की इजाज़त भी नहीं थी, क्योंकि ये इजाज़त सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश दे सकते थे, जो उस समय फ्लोरिडा में थे। उधर प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर ये समझ चुके थे कि हाईजैकर सुसाइड मिशन पर है, इसलिए उन्होंने हाईजैकर से लड़ने की ठानी। सुबह 9:47 पर प्लेन में सवार एक पैसेंजर जेरेमी क्लिक अपनी बीवी को फ़ोन कर बताता है कि वो आतंकवादियों पर हमला करने जा रहे हैं।
प्लेन की क्रू मेंबर सैंड्रा अपने पति को फोन कर बताती है कि वे बोतलों में गर्म पानी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वे हाईजैकर्स पर हमला कर सके। उधर 9:58 पर ही प्लेन के एक और पैसेंजर टॉड बीमर के फोन रखने से पहले के वो आखिरी शब्द अमेरिकन्स को फख्र महसूस करवाते हैं, जिसमें वो हमला करने से पहले बाकी के पैसेंजर से पूछता है कि सब तैयार हैं, चलो दिखा दें उनको। इसके बाद सभी पैसेंजर्स हाईजैकर्स पर टूट पड़ते हैं और कॉकपिट में घुसकर जर्रा को दबोच लेते हैं। लेकिन इसी छीना झपटी में प्लेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है और स्टोन क्रीक पेंसिल्वेनिया में क्रैश हो जाता है। समय था 10:03। प्लेन में सवार सभी 44 लोग मारे जाते हैं, लेकिन इन बहादुरों का बलिदान जाया नहीं जाता, क्योंकि अगर वो प्लेन अपनी मंजिल पर पहुंच जाता तो ना जाने कितनी जाने और जाती। जांच के बाद पता चला कि प्लेन के निशाने पर थी अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग, जो क्रैश की जगह से महज 20 मिनट की दूरी पर थी। अमेरिका में यूनाइटेड 93 के पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को हीरोज की तरह सम्मान दिया जाता है। जहां ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहीं इन 40 हीरोज की याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया है, जिसका नाम फ्लाइट 93 नेशनल मेमोरियल रखा गया है। 9/11 के इन हीरोज के जज्बे को आज तक सलाम करता है।